फ्रेंड्स, इंडिया अब इंग्लैंड के टूर पे है जहां पे जल्दी ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है और इस टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन के लिए इंडिया को अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका मिला है। ये 3 दिन का प्रैक्टिस मैच था जो कि अब ड्रॉ में खत्म हुआ है। तो आइए इस प्रैक्टिस मैच में क्या रहा इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं, पूरा स्कोर कार्ड जानते हैं। प्रैक्टिस मैच में इंडियन टीम की पहले बैटिंग थी, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 311 रन मारे और उनकी अपोजिट टीम काउंटी सेलेक्ट 11 ने फर्स्ट इनिंग्स में 220 रन मारे और फिर सेकंड इनिंग्स में इंडियन टीम ने 192 रन फॉर 3 विकेट्स डिक्लेयर किया और काउंटी सेलेक्ट 11 को 284 का टारगेट मिला, पर टाइम कम था और वो अपनी फोर्थ इनिंग्स में 31 रन बना पाए और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी और अल्टीमेटली ये 3-डे मैच ड्रॉ में खत्म हुआ। इस मैच को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा प्राप्त था और इस मैच में खास बात ये थी कि 2 इंडियन प्लेयर्स भी काउंटी सेलेक्ट 11 की टीम की तरफ से खेले, एक आवेश खान और दूसरा वॉशिंगटन सुंदर। और आवेश खान इस मैच में इंजर्ड हो गए और वो लगभग 1 महीने के लिए बाहर हो गए हैं टूर से। तो हम थोड़ा स्कोर कार्ड भी देखते हैं कि इंडियंस पहले तो देखते हैं इंडिया ने जो पहले इनिंग में 311 रन मारे तो इसमें किन प्लेयर्स ने अच्छे रन मारे, किसका क्या योगदान रहा। तो पहली इनिंग में 311 रन में से रोहित शर्मा ने 9 रन मारे थे, मयंक अग्रवाल 28, चेतेश्वर पुजारा 21, हनुमा विहारी 24 और केएल राहुल ने सेंचुरी मारी थी 101 रन और रविंद्र जडेजा ने भी 75 रन मारे थे, श्रद्धल ठाकुर 20 और खेले थे अक्षर पटेल 0, उमेश यादव 12, जसप्रीत बुमराह 5, मोहम्मद सिराज 3 रन। तो हम देखें पहली इनिंग में जो जिन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई इंडिया की तरफ से वो थे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। इसके अलावा मयंक, पुजारा और विहारी को स्टार्ट्स तो मिली पर वो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और बॉलिंग में काउंटी सेलेक्ट 11 की तरफ से बेस्ट बॉलर रहे क्रेग माइल्स, जिसने 45 रन देके 4 विकेट ली। आवेश खान ने 41 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली और वो इंजर्ड हो गए। फिर वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग नहीं दी गई और काउंटी सेलेक्ट 11 में फिर ने अपनी और काउंटी सेलेक्ट 11 ने फिर अपनी पहली इनिंग में जो 220 रन मारे तो उनके टॉप स्कोरर रहे हसीब हमीद, जिन्होंने सेंचुरी मारी 112 रन। और हसीब हमीद इंग्लैंड की मेन टीम के भी हिस्सा है और चांसेस है कि शायद में भी पहले टेस्ट मैच में वो खेल भी सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हसीब हमीद को आउट नहीं कर पाए इंडियन बॉलर्स और उसने अच्छी सेंचुरी लगाई है। और इंडियन बॉलर्स देखे तो सबसे बढ़िया बॉलर रहे उमेश यादव, जिन्होंने सिर्फ 22 रन देके 3 विकेटें ली और साथ में और बढ़िया बॉलिंग की सिराज ने, जिसने 32 रन देके 2 विकेटें ली। इसके अलावा बुमराह, ठाकुर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, इन सबको 1-1 विकेट मिली। तो बेस्ट बॉलर फर्स्ट इनिंग के उमेश यादव हम कह सकते हैं और बेस्ट बैट्समैन केएल राहुल रहे थे। और फिर इंडिया की सेकंड इनिंग बेहतर थी, इसमें इन्होंने 192 रन बनाए थे सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे और डिक्लेयर किया था। तो इसमें मयंक अग्रवाल ने 47 रन मारे और चेतेश्वर पुजारा ने ओपनिंग की सेकंड इनिंग्स में, उन्होंने 38 रन मारे और हनुमा विहारी 43 रन मार के नेट आउट रहे। रविंद्र जडेजा भी 51 रन मार के नेट आउट रहे, वो रिटायर्ड हो गए, कोई ऐसी इंजरी नहीं है उन्हें, बस रिटायर हो गए आगे थोड़ा मौका देने के लिए। श्रद्धल ठाकुर 6 रन पे नेट आउट रहे। तो हम देखें सेकंड इनिंग में मयंक अग्रवाल और पुजारा ने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप दी और दोनों अच्छा सेट होके गए और उन्होंने लंबा स्कोर तो नहीं मारा पर फिर भी जितना मारा तो दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए ये स्कोर अच्छा साबित होगा। और हनुमा विहारी ने भी अच्छा खेला, नेट आउट रहे और रविंद्र जडेजा ने दूसरी हाफ सेंचुरी मारी। तो जडेजा ने बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है इस मैच में एज ए बैट्समैन और केएल राहुल ने पहले इनिंग में जो सेंचुरी मारी है।
और साथ में उमेश यादव ने बढ़िया बॉलिंग की, तो ये इंडिया के पिक ऑफ द प्लेयर्स रहे या इस मैच में? और ऑफकोर्स फिर काउंटी सिलेक्ट 11 के 31 रन बने फॉर लॉस ऑफ नो विकेट्स, और ये मैच अल्टीमेटली ड्रॉ में एंड हुआ। तो ये स्टोरी थी इस प्रैक्टिस मैच की। ओके फ्रेंड्स,